जय माता दी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के फिर से एक नए वीडियो में। आई होप आप सभी माता के भक्त पहाड़ों वाली कृपा से बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पर होंगे। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कटरा में वो कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ पर आप घूम फिर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों, वो वीडियो जो है वो यूट्यूब पर एक पहला वीडियो है जो कि आपको कटरा का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। हाँ दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो को तलाश किया था, मैं भी जब कटरा गया था तो मैं तलाश किया था कि ऐसे कौन कौन सी जगह है, तो मुझे कोई भी ऐसा प्लेस नहीं मिला। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक नई जानकारी आपसे शेयर करेंगे। हाँ दोस्तों, उस कमेंट में काफ़ी लोगों ने कहा कि कटरा के कुछ बाहर की जगह बताइए जहाँ पर हम घूम फिर सकें, इंजॉय कर सकें। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि कटरा के बाहर के वो कौन कौन से ऐसे बेहतरीन जगह हैं जहाँ पर आप जाकर घूम फिर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, और फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में सारे जगह के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं अपने सबसे पहले जगह जो कि है पत्नीटॉप। हाँ दोस्तों, आप सभी लोग बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जिनको ये आशा होता होगा कि वो बर्फ देखें, बर्फ के बारे में जानें और बर्फ से उनका काफी लगाव हो। तो दोस्तों, आपको पता है कि माता रानी के यहाँ पर बर्फ जो है वो दिसंबर जनवरी के आसपास पड़ता है, लेकिन बहुत सारे भक्त होते हैं जो कि नवंबर वगैरह में जाते हैं तो उनको बर्फ माता रानी के भवन पर नहीं देखने को मिलता है, तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको बर्फ देखना है तो आप पत्नीटॉप जा सकते हैं। वो भी बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर आप घूम फिर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। कटरा में आप सभी लोगों को कई सारे ऐसे बसेस मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे टूरिस्ट वाले मिल जाएंगे जो कि आपको पत्नीटॉप ले जाएंगे। अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो कटरा से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर है पत्नीटॉप, जहां पर आप रोपवे कर सकते हैं, स्लाइडिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ वहां पर टेंट की व्यवस्था है जो कि आप उसे एंजॉय कर सकते हैं, जिससे कि आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा और काफ़ी अच्छी चीज़ों को आप एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा बेटर प्लेस है पत्नीटॉप। अगर आप माता के दर्शन करने जा रहे हैं तो उसके बाद एक बार यहाँ पर विजिट ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा आपका पैसा लग सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि टूर वाले भी जाते हैं, बस वाले भी जाते हैं, तो आप जिनसे चाहें उनसे बात कर अपने हिसाब से ये प्लानिंग करके जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्लेस की जिसका नाम है मानसर लेक। हाँ दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है आपके लिए और काफ़ी अच्छा जगह है। इसकी अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो लगभग कटरा से 60 किलोमीटर की दूरी है इसकी और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट प्लेस है। अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो ज़रूर इस जगह पर जाइएगा, आपको यहाँ पर चिड़ियाघर मिल जाएगा, साथ ही साथ बहुत बड़ा लेक है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। अगर आपको मछलियों से लगाव है तो ज़रूर जाइएगा, बहुत ही आनंद मिलेगा। साथ ही साथ आप बोटिंग कर सकते हैं यहाँ पर और आपको कई सारे छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे जहाँ पर आप जाकर दर्शन भी कर सकते हैं। तो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है मानसर लेक, अगर आप जाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर जाइएगा, बहुत ही कम डिस्टेंस है और काफ़ी अच्छा जगह है। अब कैसे जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूँ, कई सारे टूरिस्ट प्लेस आपके पास अवेलेबल है, टूरिस्ट वालों से आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी, प्राइवेट ऑटो मिल जाएगा, बहुत सारी सर्विस आपको जाने के लिए मिल जाएगा। देखिए, इसकी अच्छी सी जानकारी आपको कटरा पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही सुंदर प्लेस है, अगर आप जाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा सुकून और आनंद मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्लेस की जिसका नाम है शिवखोड़ी। आप में से बहुत सारे भक्त शिवखोड़ी गए भी होंगे, जो भी गया है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, आपके लिए ये भी एक अच्छा प्लेस है जहाँ पर आप जा सकते हैं। अगर हम बात करें इसके डिस्टेंस की तो कटरा से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही अच्छा प्लेस है। अगर आपको गुफाओं से प्यार है तो आप यहाँ पर ज़रूर जाइएगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोगों को बाबा भोले जी की शिवलिंग प्रतिमा मिलेगी जिसकी लंबाई 4 फीट है और ये प्राकृतिक शिवलिंग है जिसे आप दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही आनंद मिलेगा आप सभी लोगों को। और ये जो गुफा है ये बहुत ही छोटा है जिसमें से आप होकर जाएंगे और आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। यहाँ पर आप जा सकते हैं, यहाँ पर आप सभी लोगों को कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ वहाँ पर आपको मार्केट भी देखने को मिलेगा जहाँ पर आप अच्छे अच्छे खरीदारी भी कर सकते हैं। तो ये भी प्लेस आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। जाने के लिए मैंने आपको बताया कि कई सारे ऑप्शन आपके पास हैं, आप चाहें तो कटरा से कई सारे ऑटो वगैरह जाते हैं, कई सारे टैक्सी जाते हैं, यहाँ तक कि टूरिस्ट वाले भी आपको लेकर जाते हैं शिवखोड़ी। तो आप ज़रूर से एक बार यहाँ विजिट कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य प्लेस है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्लेस की जिसका नाम है धनसर बाबा। हाँ दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा जगह है और सबसे अच्छी बात ये कि कटरा से बहुत ही कम दूरी पर है। हाँ दोस्तों, इसकी अगर हम किलोमीटर की बात करें तो 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, यहाँ पर भी आपको कई सारे ऐसे रॉक पहाड़ मिलेंगे, नेचुरली दर्शन आपको मिलेगा और साथ ही साथ आप सभी लोगों को यहाँ पर नदी मिलेगा, वाटरफॉल मिलेगा जहाँ पर आप जाकर काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी घूम फिर सकते हैं और साथ ही साथ
दर्शन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत ही सुटेबल और बहुत ही अच्छा प्लेस है। अगर आप कम दूरी पर जाना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट प्लेस है आप सभी लोगों के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे लास्ट प्लेस जिसका नाम है रघुनाथ मंदिर। हाँ दोस्तों, ये आपको जम्मू में ही मिल जाएगा और आपके लिए बेटर ये रहेगा कि अगर आपका ट्रेन जो है वो जम्मू से है तो सबसे लास्ट में आप यहाँ पर आ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप आने के बाद आप सभी लोग मंदिर में जाएंगे। मंदिर में आपको कोई भी फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं होगा, सारा सामान आपको बाहर ही रखना होगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको करोड़ों देवी देवताओं के दर्शन मिल जाएंगे। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे जहाँ पर आप जाकर एक ही कैंपस के अंदर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर। सबसे बड़ा ऑप्शन आपके लिए ये है दोस्तों कि आपको यहीं पर मार्केट मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, यहीं पर आपको जम्मू का मार्केट अवेलेबल है और यहाँ पर कई सारे होटल वगैरह भी हैं, तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। आप खरीदारी वगैरह, मार्केटिंग वगैरह जो है यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हैं, फ्रूट्स खरीदना चाहते हैं, एप्पल वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ पर आप ये चीज़ खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही छोटी सी जानकारी थी। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी हो और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो देखिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने के लिए और आप सभी लोगों को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो आई होप सो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए हमने एक नया चीज़ शुरू किया है जो कि हमारा एक नया चैनल है, तो आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमने अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया पे हम एक्टिव हैं उसकी लिंक दे रखी है, चाहें तो आप वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। देखते रहिए ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।